गुड मॉर्निंग मैडम. मॉर्निंग मिसेस साजन. आज कैसी हैं? हाउ आर यू? नॉट बैड. मिसेस साजन, क्या आप कभी फिसले हैं? आपके कदम कभी डगमगाए हैं? ये तो मैडम लगभग हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्लिप तो होता ही है. तो मैं भी हुआ तो हूँ एक दो बार. मेरा भी यही मानना था मिस्टर साजन. इसीलिए मुझे लगता है कि नीना चप्पल्स के एंटी स्लिपिंग चप्पल कलेक्शन विल डू वेरी वेल. लोगों को अच्छा लगेगा. ऑफ कोर्स मैडम. वैसे भी बारिशों का मौसम आने वाला है तो ऐसे में एंटी स्लिपिंग चप्पल की जरूरत तो बहुत पड़ेगी लोगों को. मिस्टर साजन प्लीज बारिशों का नाम मत लीजिए. आई जस्ट लव द रेन. I'm just waiting when it's going to rain. जब बारिश शुरू होगी तो मैं अपनी सबसे फेवरेट साड़ी पहनूंगी और उसमें बहुत भीगूंगी. I'll just have fun. I'll dance. वैसे मिस्टर साजन आपका क्या ख्याल है? आपको कैसे लगेगा? आपको भीगते हुए देख के तो मुझे बहुत मजा आएगा मैडम. अब I mean आपको खुश या किसी को भी खुश देख के तो अच्छा ही लगता है ना मैडम. अच्छा लगता है. मिस्टर साजन मैं चाहती हूँ कि इस पहली बारिश में आप मेरे साथ भीगे. I'll make you dance. मैं कहाँ मैडम. मैं तो I don't like to cry in the rain, so nobody can see my tears, as Chaplin said. But वो क्या होता है ना मैडम, बारिश में फिसलने का बहुत डर होता है. फिर तो it's too risky, इसलिए I avoid. You're such a bore, Mr. Sajan. मुझे लगा था कि आप adventurous type के होंगे, but anyway, if you're not interested, then I'll just not ask you about it. नहीं, इतना ऐसा कुछ है नहीं. नहीं, फिसलना भी तो अच्छा होता है ना. फिसलना, गिरना, आदमी अगर फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, तो फिर खड़े होने में क्या मजा है मैडम. हड्डियां तो हैं तोड़वाने के लिए, मतलब कि है तो वो उतना कुछ नहीं है. I thought so too. Cool then, done. आप और मैं इस पहली बारिश में जरूर भीगेंगे. बस अब पता नहीं ये बारिश कब होगी. मौसम विभाग के अनुसार कल बारिश होने की भारी संभावना है. That's awesome. I'm dying to get wet. Me too, madam. Me too. मुबारक हो. आज पहली बार तेरा रेडियो करेक्ट स्टेशन पर बोला है. ऑफिस जाने से पहले मेरे साथ छत पे चलना. दीदी जी, पड़ोसी की खूबसूरत लौंडिया तो शाम को आवे है छत पे. छोरी देखने नहीं जाना छत पे. पापड़ सूख रहे वो उठाने. बारिश कभी भी हो सकती है. अरे ना ना कश्मीरा, इस साल इतनी जल्दी बारिश नहीं आएगी. हाँ ये बात तो सही है मम्मी. इतनी कड़कती धूप है, बारिश के आसार तो नजर नहीं आ रहे. कश्मीरा, अलमारी में मेरा छाता रखा है ना, वो निकाल देना, मैं ऑफिस लेके जाऊंगा. ओहो, कितना छींक रहे हो संजू. अरे ये वो मौसम ठंडा हो गया ना, बारिश आने वाली है, इस वजह से छींके आ रही है और कुछ नहीं. तेरा भला हो जीजा. अरे कहीं मौसम ठंडा नहीं हो रहा, और आज तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रहा. तो एक भूपेश, किसी बड़े आदमी ने कहा है
कि अगर खामोशी को सुधारने की बात कर पाओ तो बोलो, वरना मुंह पर चेपी लगा के रखो, समझा? इसलिए तू चुप कर। संजू, मौसम का चिड़चिड़ापन उस पर क्यों निकाल रहे हो? अरे मार नहीं रही हूँ बाबा, चेक कर रही हूँ। मुझे तो बहुत तेज बुखार है संजू। बुखार उखार कुछ नहीं मुझे कश्मीरा, ये तुम्हारा भाई बेकार है, इसलिए मनुज बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। संजू तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है, लेट जाओ। लेट जाओ? क्यों लेट जाऊं यार? ऑफिस लेट चले जाऊं? आज तो मैं किसी भी हाल में ऑफिस लेट नहीं जा सकता हूँ कश्मीरा। संजू मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम आज ऑफिस नहीं जा सकते, बिस्तर पे लेट जाओ। बिस्तर पे लेट जाओ? अच्छा, और काम उसका क्या, वो कौन करेगा? छोटे से बुखार के लिए बहाना बनाकर, नकारा बनकर और घर बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ कश्मीरा। ऐसी हरकतें तुम्हारा भाई कर सकता है, ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे। अरे कश्मीरा, कह दे रहे मेरे दामाद से कि बार बार मेरे बच्चे के बारे में बुरा भला ना कहे। हाँ, मैंने सिर्फ 100% बुरा बुरा बोला है, भला मैं चाह के भी नहीं बोल सकता हूँ इसके बारे में। संजू तुम अंदर जाके आराम करो, मैं दवाई लेके आती हूँ। सुन, अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली दवाई लेके आना, जिससे ना एक बार में ही मेरी तबीयत ठीक हो जाए, है? समझ रहे हो? वो वाली लाना, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली दवाई। एरी कश्मीरा, कह दे रहे इससे इसके लिए दवाई तो सिर्फ जानवरों के हॉस्पिटल में ही मिलेगा। संजू अंदर जाके छींको, सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। दवाई लेके, दवाई। अरे वो जीजा, अंदर जाकर मर जा। तू लेमन जूस। कमबख्त ये बुखार को भी आज ही आना था, जब मैंने सोचा था कि मैडम के साथ बारिश में भीगूंगा, यहाँ पे पसीने से भीग रहा हूँ मैं। कश्मीरा कहाँ रह गई? कश्मीरा, हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन, कैसी है आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ मैडम, मतलब एकदम पूरी तरह तो नहीं हूँ, पर ज्यादातर एकदम। ओके मिस्टर साजन, आप तो सीरियसली जवाब दे रहे हैं, मैंने सिर्फ ऐसे कर्टेसी पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आप तो बस विस्तार में शुरू हो गए। आपकी बातों को सीरियसली कैसे ना लो मैडम, आपके तो मजाक भी इतने गंभीर होते हैं कि दो बार सोचना पड़ता है हंसूं कि ना हंसूं। मिस्टर साजन एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या एनीवे कमिंग बैक टू बिजनेस मिस्टर साजन, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर भाटिया की मीटिंग आप आज कैंसिल कर दीजिए, मैं जो ऑफिस नहीं आऊंगी। क्यों? अब ऑफिस क्यों नहीं आएंगे मैडम? Well, क्योंकि मैं आपका चेहरा देख देख के बोर हो गई हूँ मिस्टर साजन, सो आई विल बी गोइंग टू द ज़ू, वहां पे किसी दूसरे जानवर का चेहरा देखूंगी तो दिल को सुकून मिलेगा। इट्स ओके मिस्टर साजन, इस बात को इतना सीरियसली मत लीजिएगा, मैं मजाक कर रही थी। अब हंसिए, हंसी मिस्टर साजन, हंसी है। सॉरी सॉरी, दैट्स बेटर। हाँ लेकिन मिस्टर भाटिया वाली बात प्लीज सीरियसली लीजिए, कैंसिल इट, आई वोंट बी कमिंग टू ऑफिस टुडे। ओके, अब क्या फायदा यार ऑफिस जाने का, बारिश आ भी जाए तो क्या, मैडम तो आएंगी नहीं। ये लो स्ट्रॉन्ग दवाई, इसे खा के तुम ऑफिस भी जा सकते हो, ठीक है? नहीं नहीं बेबी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना आज नहीं जाता मैं ऑफिस, रहने देता हूँ। तुमको भी तो कोई मौका मिले ना मेरी सेवा करने का, मेरे लिए चाय बनाने का, अदरक वाली दाल खिचड़ी बनाने का, थोड़ा पुण्य तुम भी कमा लो। हाँ पुण्य कमाऊंगी तो अगले जन्म में तुमसे बेहतर पति मिलेगा। यार तुम भी मजाक कर रही हो ना यहाँ पे, मतलब मेरे सब अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं जब मेरी आवाज नहीं निकल रही है तो। अरे संजू मजाक कर रही हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है?
हेलो, आपने वो भाटिया वाली मीटिंग कैंसिल तो नहीं की? नहीं, अभी नहीं की। You never fail to disappoint me, Mr. Sajan. मुझे आपके काम के स्पीड पर पूरा भरोसा था। Anyway, वो मीटिंग कैंसिल मत कीजिएगा, मैं ऑफिस आ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ ना बेबी, ये देखो, ये जो विज्ञान ने, साइंस ने जो नई नई चीजें इजाद की, किस लिए की है? ताकि मुझ जैसे हार्ड वर्किंग सिंसियर लोग जब चाहे तब इनका इस्तेमाल कर सके, है कि नहीं? है ना? तो ला ये बॉटल मुझे दे दो कश्मीरा। यस, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मेरा बैग रेडी करो। Good morning, Mr. Sajan. Oh, good morning, madam. You're not looking good at all, Mr. Sajan. क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? Yeah, I'm fine, madam. बहुत अच्छा हूँ। Well, Mr. Sajan, company के प्रति आपकी dedication को देखकर I'm impressed. Dedication तो लाजमी है मैडम। क्या है ना कि आपके साथ काम करके अच्छा लगता है। ये कंपनी बिल्कुल आपकी तरह है, छोटी पर खूबसूरत, तो अच्छा लगता है आपके साथ काम करना। Like it feels nice being in your company. How sweet, Mr. Sajan, but you do look hot. Really? I mean, temperature-wise, आप बीमार लगते हैं. Really? Really? आप कह रही हैं तो होगा. आप खुद ही टच करके देख लीजिए ना मैडम. हद हो गई है यार, बहुत हो गया यार। कब होगी ये बारिश? कब मुझे मेरी तपस्या का फल मिलेगा? पता करना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ जी, ये मौसम विभाग है? नहीं, ये मौसम विभाग का एक सदस्य है। बोलिए। हाँ तो सुनिए, मुझे ये पता, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही ना? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है आज होने के चांसेस कितने हैं भाई बारिश? 50-50% सर। मौसम जुआ है। जुआ है। समझे ना? अरे अजीब है यार, आप मौसम विभाग में काम करते हैं कि मतलब कोई शायर है आप? नहीं, लानत है आप लोगों पे अगर इतना भी नहीं बता पा रहे हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो बंद करो ना फिर ऐसा मौसम विभाग, किस काम का है फिर ये? होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पे हो वहीं बारिश हो जाए। अरे सर, जुआ है जुआ। हाँ हाँ, जुआ है जुआ है, मालूम है जुआ है जुआ है। अभी हो गई है बारिश। बारिश हो गई। हेला दो, मैं बता रहा हूँ मौसम विभाग को। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ। सर सर सर, पूरा जीत गया हूँ मैं। सर भीग गया हूँ, पूरा भीग गया हूँ, अंदर तक भीग गया हूँ सर। यस सर, सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यस सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये बच्चों के बिस्किट्स हैं, हम स्विम सूट में मॉडल्स कैसे दिखा सकते हैं? I mean, what kind of biscuit is that? क्या? बच्चों के मामा स्विम सूट? नो सर, सर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा, मैडम
मैं आई कमेंट मैडम। हाँ जी, मुझे लगता है कि हमें आइडिया के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। दिस विल नॉट वर्क। मैडम इसी वक्त मेरे साथ बाहर चलिए प्लीज। आई एम ऑन इम्पोर्टेंट कॉल प्लीज। मैडम दो मिनट मेरे साथ इसी वक्त बाहर तो चलिए, बहुत अर्जेंट। यस सर, जस्ट अ मिनट। क्या प्रॉब्लम है मिस्टर साजन? आपके डेस्क पे कॉकरोच आ गया, प्लीज आप पापा से बात कीजिए, ही विल सॉल्व इट। गो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम, एक मिनट के लिए मेरे साथ बाहर तो चलिए। क्या होगा दो मिनट से? दो मिनट हो या दो घंटे मैडम, कोई भरोसा नहीं है, ये एक जुए की तरह है, जुए की तरह मैडम। क्या पता हम लोग बाहर जाएं और तब तक सब खत्म हो जाए। प्लीज दो मिनट चलिए तो सही, मेरे साथ बाहर तो चलिए। मिस्टर चोपड़ा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। जी थैंक यू सो मच। जल्दी 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 चलिए मैडम, जल्दी आइए आइए। बेटर बी गुड प्लीज। आइए 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 प्लीज प्लीज आइए। होल्ड ऑन मिस्टर साजन, वेयर आर यू टेकिंग मी? आप मुझे कहां लेके जा रहे हैं? बाहर बारिश हो रही है मैडम, आपने कहा था ना आपका पहली बारिश में भीगने का बहुत मन है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं। जल्दी चलिए वरना कहीं बंद ना हो जाए बारिश। मिस्टर साजन, बारिश कहां हो रही है बारिश? ये सवाल सर आप मुझसे पूछ रहे हैं जो खुद इतना टोटल भीगे हुए हैं। मिस्टर साजन, अगर मैं बारिश में भीगा होता तो मैं यहां नहीं होता, आपके घर पर होता। वो क्यों सर? मिस्टर साजन, मैंने अपने आप से वादा किया था कि पहली बारिश में आपकी छत पर आपकी सास के साथ रेन डांस करूंगा। कितने गिरे हुए हैं सर, कितने गीले हो गए हैं सर, सुखाते क्यों नहीं अपने आप को? वैसे सर शहर में जहां कहीं भी बारिश हो रही है, जिस किसी भी कोने में हो रही है, मुझे बताइए, मैं मैडम को वहां लेके जाऊंगा। बाथरूम में? बाथरूम में? यस मिस्टर साजन, ट्रस्ट मी। वो क्या है कि जेंट्स बाथरूम का नल खराब हो गया है, हम यानी छेदीलाल जब उस नल को ठीक करने के लिए गए तो नल में से एक फवारा निकला और उससे हम सारा भीग गए। हाउ रोमांटिक मिस्टर साजन। सॉरी मैडम, वो एक्चुअली बारिश के एक्साइटमेंट में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी एक्साइटमेंट हमें महंगी पड़ सकती है मिस्टर साजन। मिस्टर चोपड़ा जैसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट हमारे हाथ से छूट सकते हैं, वो भी आपके लापरवाही की वजह से। मैंने कहा था आपसे, इफ यू आर नॉट कीपिंग वेल टेक अ डे ऑफ, लेकिन नहीं, आप ना खुद काम कर रहे हैं ना मुझे काम करने दे। नाउ प्लीज इफ यू कुड एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है, काम करना है। एंड पापा प्लीज ये नल वल के काम मत कीजिए, लुक एट यू आर द ओनर ऑफ दिस प्लेस। सॉरी मैडम। मिस्टर साजन, व्हाई डोंट यू रेस्ट इन पीस? सर आप छाता लेकर नल सुधारने क्यों गए थे? मिस्टर साजन मेरे केबिन में आइए प्लीज। मैं कम इन मैडम। यस मिस्टर साजन, आपको पता है हम सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे करते हैं? जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इट्स ओके मैडम, कोई बात नहीं। माफी नहीं मांग रही हूं आपसे। ओह सॉरी मैडम, सॉरी। मिस्टर साजन, जिन पलों का हम दोनों इंतजार कर रहे थे, लगता है वो पल आने ही वाले हैं।